علماء 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.

اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين आली वसहावी अजमाई मजत सामयीन व नादरीन अजीज दोस्तों बुजुर्गों नौजवानों मेरी इज़्जदार माँ और बहनों पिसरे खलील की सीख अदा जो है जिब होने की आरजू पिसरे खलील की सीख अदा जो है जिब होने की आरजू जो छुरी रुके तो रुके मगर न सरक पाए तेरा गला जो छुरी रुके तो रुके अगर न सरक पाए तेरा गला हजरत इब्राहिम आल सलासलाम के बहुत ही नूर नजर लखते जिगर हजरत इस्माइल की कुर्बानी की याद ताज़ा होने का महीना झल्हजा हाजिर हो रहा है मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गो माहे झीलहजा के आते ही एक तरफ हज़रत इब्राहिम मला नबी आल सलाम की यादगार में बहुत सारी चीज़ें हमारे और आपके सामने आती हैं जैसे पिछले कई जुमा में आपने तोहद का पैगाम कैसे दिया जाए दावत का अंदाज़ कैसे इख्तियार किया जाए मुखालफ माहौल में दीन का काम कैसे किया जाए ये सारी बातें आप सुन चुके हैं आज चूंकि कुर्बानियों का तस्करा चल रहा है और जिल हज्जा के आते ही बकर का जो तस्वुर है ये वो ईद है कि जिसमें हम एक कुर्बानी पेश करके साहिब निसाब एक कुर्बानी देकर अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता है मेरा जी दोस्तों जब आप किसी जानवर के गले पर छुरी चला रहे हो तो आपके दिल के ऊपर एक कैफियत पैदा होना चाहिए और ये कुर्बानी का जो मकसद है वो आपके जहन में होना चाहिए और इसी नीयत से आपको कुर्बानी करना चाहिए बहुत कम खुशनसीब हैं कि जिन्होंने कुर्बानी करने के बाद अपनी जिंदगी में तब्दीली लाई है जिंदगी में इनकलाब पैदा किया है बहुत सारे तो एक रस्म और रिवाज की तरह कुर्बानी कर लेते हैं दिल पे कोई असर नहीं है दिमाग पे कोई असर नहीं है जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं है याद रखिए कि ये वाकयात सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है ये वाकयात सिर्फ सुनने और पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि आपके जहनों में ये बात होना चाहिए कि एक मकसद अल्लाह ने हुक्म दिया है बेमकसद हुक्म नहीं दिया है और इसकी रूह क्या है इसका फलसफा क्या है इस कुर्बानी का राज क्या है उसको समझना चाहिए उस पर आपकी नजर रहना चाहिए आप जानवर के हलक पर जब छुरी चला रहे हैं पहली बात तो ये है कि हम में से बहुत सारों को यह नसीब ही नहीं होता कि अपने जानवर की कुर्बानी हम करें हम बहुत मुश्किल से खड़े होते हैं हम में से बहुत सारे ऐसे डरपोक हैं कि जो खून देखकर बेहोश हो जाते हैं जो कुर्बानी करना नहीं जानते जिन्हें कुर्बानी की दुआएं याद नहीं है अफसोस होता है देखिए जनाजे की नमाज पढ़ाना आना चाहिए कुर्बानी करना आना चाहिए कैसा सवाल इस उम्मत के ऊपर आया है कि बेटे का जनाजा है और बाप चबूतरे के ऊपर बैठा हुआ है दूर खड़ा हुआ है कैसा इस उम्मत के ऊपर जवाल आया है कि बाप का जनादा है और बेटा चबूतरे पर या दूर खड़ा हुआ है क्या है तो इन्हें जनादे की नमाज पढ़ाना नहीं आती है कोई मौली साहब कोई इमाम साहब नमाज पढ़ा कुर्बानी करना है तो कुर्बानी भी ये कर नहीं सकते किसी मौली साहब को बुलाते हैं और बिस्मिल्ला अकबर कह दीजिए बट खड़े रहे तो ठीक है वरना गोश्त खा लेंगे मेरे अजीज दोस्तों कुर्बानी के पीछे एक हकीकत है एक फलसफा है एक राज है और वो ये है कि आप जानवर के हलक के ऊपर जब छुरी चला रहे हैं तो ये जानवर पर छुरी नहीं चला रहे हैं बल्कि अपने ख्वाहिशात पर अपने नफ्स पर आप छुरी चला रहे हैं गोया आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह इसके बाद में नफ्स का गुलाम नहीं बनूंगा रब का गुलाम बनूंगा ख्वाहिशात का गुलाम नहीं बनूंगा मैं रब का गुलाम बनूंगा आपके अंदर एक कैफियत पैदा होना चाहिए आप रब के गुलाम बन के बताओ आप रब के बंदे बनकर बताओ आप ख्वाहिशात के गुलाम मत बनो नफ्स जो चाह रहा है वो कर रहे हैं ख्वाहिशात जो चाह रही है वो कर रहे हैं दुनिया के अंदर माल अल्लाह ने क्या दिया है चाल बदल गई हुई है और अंदाजा लगाओ के नाम नमूद का कितना शौक इंसान को होता है जो वो ईद की नमाज का मकसद नहीं समझता कुर्बानी का मकसद नहीं समझता लेकिन कुर्बानी के लिए ऐसा जानवर लाता है कि चार लोग महल्ले के आकर देखे क्यों माशा अल्लाह हाजी साहब ने नमाजी साहब ने जो है एक लाख का बकरा लाया है दो लाख का बकरा लाया है और बास तो बेचारे नादान जो है ऐसे बकरे की तलाश में रहते हैं कि नया अंदाज होना वो बकरे के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है कभी आपने सोचा एक जानवर पर अगर अल्लाह लिखा हुआ है उसकी आपके पास कदर कीमत है आप लाख दो लाख देने के लिए तैयार है और जिसके दिल के अंदर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह है जो आपका इमाम है उसकी तनख्वाह के लिए आपको दो पांच हजार रुपये भी नहीं निकलते आप उसकी जिंदगी पर रहम खाने को भी तैयार नहीं है एक जानवर की कदर कीमत है लेकिन एक हाफिज कुरान की कदर कीमत नहीं है एक इमाम की कदर कीमत नहीं है एक आलिम दीन की कदर नहीं है जरा सोचिए आप क्या आपका माल कहां जा रहा है और यह माल अल्लाह ताला ने किस लिए दिया था तालिबीन में सैयदना अब्दुल जी जिलानी रहमत ने लिखा है फरमाया है कि आपका माल मुतकी और परेजगार लोग खाएं इसकी आपको फिक्र होना चाहिए इसकी आपको नीयत होना चाहिए अगर कोई मुत्जगार आलिम दीन हाफिद कुरान का आपको आप उसको ताउन करते हैं मदद करते हैं हदिया देते हैं उसकी तनख्वाह देते हैं वो अगर आपके माल की वजह से दो रकात अगर ज्यादा पड़ेगा उसका सवाब आपको मिलेगा वो जो ज्यादा लंबी दुआएं करेगा उसमें आपका हिस्सा होगा मुत्ती परहेजगारों को खाना खिलाने की उनकी दावतें करने की उनकी माली मदद करने की फिक्र कीजिए जानवर पर अल्लाह लिखा हुआ है उसकी कद्र कीमत है लेकिन यहाँ कल्ब में पूरा कुरान पाक है उसकी कदर कीमत नहीं अफसोस होता है और बाज लोग तो ये नाम वनमूद के लिए कर रहे हैं और बाज लोग एक प्रोसीजर पूरा करना है उन्हें कुरबानी का तो कुरबानी का हिस्सा ले लो हजार रुपये में बारह सौ में पंद्रह सौ में अब वो जमाना भी गया था अब तीन हजार रुपये में और जानवर कुर्बानी का खरीदा किसी ने और लेकर जा रहे तो ऐसे मनादिर देखने को मिले हैं कि वो जानवर चलने को तैयार नहीं है ढकेल ढकेल कर उसको यानी मार मार कर किसी तरीके से किसी रक्षे में बिठाकर कुर्बान गाह तक के ले जा रहे हैं मजबा तक के ले जा रहे हैं बड़े जानवरों को भी उसी तरीके से लेके जाया जा रहा एक मरियल किस्म का लागर किस्म का कमजोर किस्म का जानवर आप अल्लाह के नाम पर दे रहे हैं कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ताला को कौन सी चीज दे रहे हैं आप ये अल्लाह के पास पहुंच रहा है और मैंने जो कुरान पाक की आयत तिलावत की है साफ ऐलान किया गया दिमा कि अल्लाह के पास ये जानवर का गोश्त नहीं पहुंचता खून नहीं पहुंचता बल्कि आपके दिलों में जो तकवा है वो पहुंचता है जो आपकी नीयत है वो पहुंचती है लागर किस्म का कमजोर किस्म का मरियल किस्म का जो मजबा खाने तक के अपने पैरों पर चल नहीं सकता नक्शे में डाल कर ले जा रहे हैं ऐसे जानवर की कुर्बानी मत करो हुक्म है फिका के मसाइल में कि कान कटा हुआ आयदार जानवर उसकी भी कुर्बानी आप नहीं दे सकते तो आप छोटी छोटी चीजों के बारे में उम्र के बारे में तो पूछते हो ये कान कटा हुआ है इसकी कुर्बानी जायज़ है कि नहीं जायज़ है इसका दांत बरोबर नहीं है जायज है कि ना जायज़ है ये नहीं सोचते कि ये कुरबान गह तक के जा नहीं रहा है इसको मार मार कर ली जा रहे है रक्शे में डाल कर ली जा रहे है इसकी कुर्बानी जायज़ है कि ना जायज़ है सस्ते का माल है इसकी कुर्बानी जायज़ है कि ना जायज़ है ये नहीं पूछता कोई भी एक प्रोसीजर पूरा कर रहे है या तो नामो नमूद में लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं या एक प्रोसीजर पूरा करने में यानी जो है इस किस्म के जानवरों का इस्तेमाल कर रहे हैं याद रखिए कुरान पाक की एक आयत के अंदर फरमाया के तनालिर रहता तना तुम फिकु मातो हबू लनालबिर रहता तुम फिकु मिन मातो हब तुम हरगिज हरगिज नकी हासिल नहीं कर सकते यहाँ तक के अपना महबूब तरीन माल अल्लाह के रा में खर्च न कर दो इसलिए पसंदीदा माल अच्छा माल अच्छी चीज अच्छे जानवर का इंतजाम कीजिए ताकि वो अल्लाह को अल्लाह के नाम पर दिया जा रहा है आपका अल्लाह से ताल्लुक कितना है आपकी अकीदत कितनी है वो देखी जा रही है वो समझी जाएगी इसलिए मेरे अजीज दोस्तों बानी एक मकसद के तौर पर है और हजरत इब्राहिम अला नबीन आ, आ सलातलाम को तो ये हुक्म हुआ कि अपने बेटे की कुर्बानी कर दो वो उसके लिए भी तैयार हो गए हजरत इब्राहिम अला नबीन आल सलात अपने बेटे इसमाइल को कह रहे हैं ए बेटे मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं तुमको जुबा कर रहा हूं तो तुम्हारा क्या मशुरा है फंजूर मादा तर तुम्हारी क्या राय है तो उमर ए बजान कर गुजरिए जो आपके रब का आपको हुक्म है सतजी दुनी इन। स्वाबरी सतजूनी इनशा आप मुझे साबरीन में से पाओगे अपनी औलाद की तरबियत ऐसी करो कि बाप के मंशे के मुताबिक बेटा हो बाप का फर्मा बरदार बेटा हो बाप के आंखों की ठंडक बेटा हो ऐसी औलाद की तरबियत करो जो दीन के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो दीन के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो एलाए करमतुल्ला के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो मेरे अजीज दोस्तों आने वाली नस्लों पर रहम करो ने कौम पर रहम करो आज बे राह रवि का मामला है बेदीनी का माहौल आम होते जा रहा है वो नमाज नहीं पढ़ रहा वो अल्लाह के लिए वक्त नहीं दे रहा है तो वो अल्लाह के लिए माल क्या देगा कुर्बानी क्या देगा कैसे माल अदा करेगा माल की जक़ात कैसे अदा करेगा कुर्बानी कैसे अदा करेगा आपने उसकी तरबियत ही नहीं की मेरे अजीज दोस्तों कुर्बानी देने से माल ज़ाय नहीं होता कुर्बानी देने से माल कम नहीं होता एक अल्लाह का हुक्म है और वो बेटे के लिए बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर अल्लाह का हुक्म ये मनसूख नहीं होता और बेटे की जगह जानवर की कुर्बानी नहीं होती हर साल आपके पांच बच्चे दस बच्चे उसमें से एक एक का नंबर लगाने की नौबत आती तो कितने लोग ईमान पर बाकी रहते थे मुर्तद हो जाते थे भाग जाते थे इस बकर हमारे चुन्नू का नंबर है मुन्नू का नंबर है हमारे सलमान का है हमारे इमरान का है हमारे फना का है तो जिसका नंबर आने लगा बकर में इसकी जुबा ज़ुबा करना है इसकी कुर्बानी देना है तो वह भाग जाता था या मुर्तद हो जाता था अल्लाह की शान रहीमी शान करीमी किस कदर है कि आपको अपने बेटों की कुर्बानी देना नहीं है अगर बेटों की कुर्बानी देने का मसला होता तो इस तफ्ती कलबक अपने दिल से फतवा हासिल करो क्या आप अल्लाह के नाम पर अपने बेटे को कुर्बान कर सकते थे वो जज्बा है आपके अंदर वो ईमान है आपके पास आला दर्जे का ईमान वाला भी जो है लरस जाता था कप कपाने लग जाता था पीछे हट जाता था अल्लाह ने यह आजमाइश में नहीं डाला है अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे अजीज दोस्तों के कुर्बानी का जानवर सही सालिम अच्छा फरबा हो और अल्लाह के नाम पर अच्छी चीज देने का मिजाज बनाओ घरों से वो मिजाज को खत्म कर दो फटे हुए कपड़े अल्लाह के नाम पर बची हुई दाल अल्लाह के नाम पर अरे जो तुम खा नहीं सकते जो तुम पहन नहीं सकते वो अल्लाह के नाम पर दे रहे हो क्या मुंह दिखाओगे आप इसलिए कुर्बानी के अच्छे जानवरों का मेयारी एतबार से एतदाल के साथ इंतखा करना है आपको कुर्बानी देना है और मकसद कुर्बानी देना है हजरत इब्राहिम ने जब बच्चे से पूछा तो क्या बेहतरीन जवाब दियान मुझे अल्लाह की मशीयत अल्लाह की कुदरत अल्लाह क्या चाहते हैं अल्लाह आजमाते हैं वहां तक के लाते हैं और फिर बचा लेते इब्राहिम तद सद अख्तरुया कदाली का नजिलोहसनी रिवायतों में आता है कि हजरत इब्राहिम अला नबीनासलासलाम ने जब हजरत इसमाइल को लिटाया और जब गले पर छुरी रखी तो बेटा अपने बाप को फिर मशवरा दे रहा है कि जान पिदराना शफक्त बाप की मोहब्बत बाप की शफक्त कहीं अल्लाह के हुक्म में ताखीर करने का जरिया ना बन जाए इसलिए अब्बा जान मेरा चेहरा देखते हुए आप मुझे ज़ुबा नहीं कर सकेंगे आप मुझे पलटा दीजिए उल्टा कर दीजिए चुनाच रिवायतों में आता है कि हज़रत इब्राहिम सलाम ने अपने बेटे इसमाइल को पलट दिया चेहरे को नीचे कर दिया आप गर्दन के ऊपर छुरी रखी आप चलाना चाहते थे अर्श से लेके फर्श तक के मखलूक लर्दबाबर अंदाम है कब कप आ रहे हैं फरिश्ते हैरान है मखलूक हैरान है कि ये क्या हो रहा है अल्लाह एल्ला क्या हो रहा इलामीन की तरफ से हजरत जिब्राइल उधर से आवाज दे रहे हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पलट कर देखा हजरत इब्राहिम ने फिर फरमा लाला अकबर <perfektionic> बेटे इस्माइल कह रहे हैं अल्ला अकबर वल्लम तो हम जो अयाम तशरी के अंदर ये नमाज़ों के बाद तकबीर तशरी़ पढ़ते हैं अल्लाकबर अकबर लाकबर अल्ला अकबर अकबर वल्लाम तो ये तीनों जुमले जो है पहला जुमला हज़रत इब्राहिम अला नबीनासलातम हज़रत ज़िब्राइल सलाम की ज़बान से निकला अकबर अल्ला अकबर हज़रत इब्राहिम ने उसका जवाब दिया ला लाला अकबर हज़रत इस्माइल ने कहा अल्ला अकबर वल्लाम तो ये अयाम तशरीक़ में जब आप पढ़ते हैं तो इसकी रूह को समझिए ये हज़रत जिब्रैल हज़रत इब्राहिम हज़रत इस्माईल के जमानों से निकले हुए अल्फाज हैं हम उसको अदा कर रहे हैं और अल्लाह की किबरियाई अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं अब दुनिया में कोई चीज़ बड़ी नहीं है कोई ताकत नहीं है कोई हुकूमत नहीं है अल्लाह ही अल्लाह है और अल्लाह की बड़ाई अपने कल्ब के अंदर बिठाइए आप सिर्फ पढ़ लेना है रस्म और रिवाज के अतबार से अदा कर लेना है नहीं बल्कि इसकी रूह को समझिए आप अम तशरीक़ में आप जो कलिमात अपने जबान से अदा कर रहे हैं उसकी रूह को समझिए उसके मकसद को समझिए और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करने की कोशिश कीजिए अल्लाह शाहान मुझे आप तमाम को अमल की तोफ़ी अतः फरमाएँ व आखिर उदावान रबीन